लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई है। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जाँबहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जो आपसे शेयर की जा रही है। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई है। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जाँबहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उल्टी है, जिसमें 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जाँबहक अफराद का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। हादसे में 12 जायरीन जो हैं वो जाँबहक हुए हैं, 35 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं नसीर अहमद से। नसीर, बताइएगा ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जी, ये हादसा कोस्टल हाईवे बुजी टॉप के मकाम पर पेश आया है। कोच जो जायरीन की थी वो ईरान से कराची की जानब आ रही थी, तो तेज रफ्तारी के सबब खाई में जा गिरी है। हादसे में तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अब तक 12 अफराद के जाँबहक होने की इतला मिली है, जबकि 35 से ज्यादा अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ है और जो करीबी हॉस्पिटल है औरमड़ा वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी, 12 जायरीन जो हैं वो जाँबहक हुए हैं, 35 से जायद जख्मी हो चुके हैं। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं नसीर अहमद से। नसीर, बताइएगा ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जी, ये हादसा कोस्टल हाईवे बुजी टॉप के मकाम पर पेश आया है। कोच जो जायरीन की थी वो ईरान से कराची की जानब आ रही थी, तो तेज रफ्तारी के सबब खाई में जा गिरी है। हादसे में तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अब तक 12 अफराद के जाँबहक होने की इतला मिली है, जबकि 35 से ज्यादा अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ है और जो करीबी हॉस्पिटल है औरमड़ा वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी, 12 जायरीन जो हैं वो जाँबहक हुए हैं, 35 से जायद जख्मी हो चुके हैं। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं नसीर अहमद से। नसीर, बताइएगा ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जी, ये हादसा कोस्टल हाईवे बुजी टॉप के मकाम पर पेश आया है। कोच जो जायरीन की थी वो ईरान से कराची की जानब आ रही थी, तो तेज रफ्तारी के सबब खाई में जा गिरी है। हादसे में तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अब तक 12 अफराद के जाँबहक होने की इतला मिली है, जबकि 35 से ज्यादा अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ है और जो करीबी हॉस्पिटल है औरमड़ा वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी, 12 जायरीन जो हैं वो जाँबहक हुए हैं, 35 से जायद जख्मी हो चुके हैं। लसबेला में मकरान कोस्टल हाईवे पर जायरीन की बस उलट गई। हादसे में 12 अफराद जाँबहक और 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात हासिल करते हैं नसीर अहमद से। नसीर, बताइएगा ये बस कहाँ से कहाँ जा रही थी और जो जख्मी हुए हैं उनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? जी, ये हादसा कोस्टल हाईवे बुजी टॉप के मकाम पर पेश आया है। कोच जो जायरीन की थी वो ईरान से कराची की जानब आ रही थी, तो तेज रफ्तारी के सबब खाई में जा गिरी है। हादसे में तकरीबन रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक अब तक 12 अफराद के जाँबहक होने की इतला मिली है, जबकि 35 से ज्यादा अफराद जो है वो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीमें इस वक्त मसरूफ है और जो करीबी हॉस्पिटल है औरमड़ा वहाँ पर उनको मुंतकिल किया जा रहा है। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीर अहमद, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे।